हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल डिस्कस द पोएम दैट नेम इज द काइट्स इन दिस वीडियो। देखिए, ये आज जो हमारा टॉपिक है वो काइट है। इसको काइट को अच्छे से समझेंगे आप इस वीडियो में। ये जो है काइट में क्या बताना चाहता है पोएट, देखिए। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स। हम सभी क्या है कि पसंद काइट उड़ाना पसंद करते हैं। काइट मीन्स पतंग। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? क्या तुमने कभी कोशिश की है पतंग उड़ाने की? रीड दिस पोएम। इस पोएम को पढ़ते हैं, इस पोएम को पढ़ते हैं अबाउट द काइट, काइट के बारे में। एज इट फ्लाई इन द स्काई, जब वो आकाश में उड़ती है। तो देखिए, फर्स्ट लाइन में क्या कहना चाह रहा है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट वैन इट न्यू। जब काइट, जो पतंग होती है, तो कैसे दिखाई देती है? वो बिल्कुल नीले नीले आकाश में चमकदार दिखाई देती है। बिल्कुल नीली सी चमकदार दिखाई देती है। विद ए ड्यू एंड डीप, विद ए ड्यू एंड डीप मीन्स जब वो डुबकी लगाती है। इन द स्नैप, स्नैप ये जो देखिए वर्ड जो आ रहा है, इसको ध्यान से समझेंगे। ये जो स्नैप वर्ड है, इसका मीन्स होता है हिलना। डीव एंड डीप माने जब वो जो है, डीव का मीन्स होता है गो टू इन टू डीप वाटर। जब वो, जैसे कि ये कंपेरिजन की गई यहाँ जहाज से, यहाँ कंपेरिजन किससे की गई है? काइट की जहाज से की गई है। जैसे जहाज जब डीप वाटर में जाता है, तो उसका जो ये होता है, जब डीप वाटर में जाता है तो क्या करता है कि जैसे ही जहाज डीप वाटर में जाता है, वैसे ही ये क्या है कि आकाश में डुबकी लगाती है एंड हिलाती है अपनी पूंछ को। जैसे ही जहाज अपने सिरे को हिलाता है, वैसे ही अपनी पूंछ को हिलाती है। देन सोर्स लाइक ए शिप विद ए ओनली सेल। अब देखिए, सेल विंस होता है, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ये जो जहाज का जो वो होता है कैनवास जो होता है, वो क्या करता है, बैलेंस बनाने का काम करता है पानी में। तो ठीक उसी प्रकार से जो पूंछ है पतंग की, वो जब आकाश में उड़ती है तो क्या करती है, बैलेंस बनाती है पतंग का। ये कहना चाहता है यहाँ पोएट। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट अगली लाइन से। देन सोर्स लाइक द शिप विद द सेल्स, ये हो गया। ऑल द टाइड्स, ऑल द टाइड्स, अब देखिए यहाँ से क्या कहना चाहता है। टाइड्स मीन्स लहरें। ऑल द टाइड्स, टाइड्स मीन्स क्या होता है, लहरें। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एज ओवर टाइड्स, एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड टाइड्स क्लाइम्स, क्लाइम्स टू रेट्स, क्लाइम्स टू क्रेट्स ऑफ गस्ट एंड पुल्स। देखिए क्या कहना चाहता है। टाइड्स का मीन्स क्या होता है, लहरें। ऑफ विंड्स राइड्स, मतलब जो देखे जिस प्रकार से जहाज जो है लहरों पर दौड़ता है, उसी प्रकार से कहाँ राइड करती है ये, कहाँ किस पर राइड करती है, विंड पर राइड करती है पतंग। क्लाइंब द क्रेस्ट, ऊपर चढ़ जाती है फिर नीचे आ जाती है। वैसे जहाज जैसे ऊपर नीचे होता है, वैसे पतंग भी होती है लहरों, उसमें हवा में, जिस प्रकार से लहरों पर समुद्र, लहरों पर जो है जहाज ऊपर नीचे होता है समुद्र में, ठीक उसी प्रकार से आकाश में जो हवा में पतंग। देखिए नेक्स्ट देखेंगे। देन सिम्स टू क्रेस्ट विन द फॉल। अब क्या हो गया, हवा थोड़ा कम हो जाती है, हवा रेस्ट लेती है, ठीक है। देन स्टिंग गोब, देन स्टिंग गोज स्लैक्स एंड विंड बैक। हवा रुक जाती है और जो ढीली, वो क्या होती है, जो स्टिंग्स होती है वो ढीली पड़ जाती है। स्टिंग्स क्या होती है, ढीली पड़ जाती है। एंड रन अनटिल, और हम तब दौड़ते हैं उसके पीछे। अब देखेंगे आगे। एंड रन अनटिल ए न्यू ब्रिज ब्लोन, और कब तक दौड़ते हैं हम, जब तक कि नई, अर्थात पुनः वो हवा ना आ जाए। हम कब तक दौड़ते हैं, कब तक भागते हैं, जब तक कि दोबारा से हवा नहीं चल जाती है, ठीक है। एंड अब ये क्या कहना चाह रहा है, हाउ ब्राइट द, अब फिर दोबारा से वही लाइन आ गई है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज काइट वैन इट न्यू। देखिए जब पतंग नीली होती है तो कैसी दिखाई देती है, चमकदार नील दिखाई देती है बिल्कुल। बट द रैगर स्टिंग्स, किंतु भद्दी दिखाई देती है। रैगर मीन्स भद्दी। यू नेवर, अब देखिए आगे। You never will see when it flaps on the strings on the top of a tree. देखिए जब वो उड़ती 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 कहाँ फंस जाती है, फ्लैप्स कहते हैं, मूव द विंग्स स्टिंग्स, जब उसकी जो डोरी कहाँ फंस जाती है, पेड़ में फंस जाती है, पेड़ में टक जाती है, तब वो हमें क्या, भद्दी दिखाई देती है। ये यहाँ पूरा हो गया, हेरी बेन ने लिखा है पोएम। किसने लिखी है, हेरी बेन ने, पोएट का नाम हो गया। इस पोएम, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।